बुजुर्ग हैं, आप लोग का आशीर्वाद चाहिए हमको, बेटे हैं हम आप लोग। छड़ी रही ना, छड़ी देखिए जा, कोनो गड़बड़ाए ना मामला, ये कहूँ जानी ना, अगर कोनो कोनो हमार मौसी ओसी नाराज होती तो हमारे खातिर जाके हाथ वह जोड़ लिया जा, मगर सबके एक साथ लेकर के एक बार इस सामान तो आदि बिना हटिया तो बड़ा दिक्कत हो सारा नेता लोग बोलो कि भाई अगर तुम को जेल भेज दिया तो चुनाव न लड़ो, मजबूरी में लड़ो। पहले और दूसरे फेज में लगभग 115 सीटों के आसपास में चुनाव हुआ है और उसमें 100 से ज़्यादा सीट बम्पर तरीके से गठबंधन जीत रही है और गिनी चुनी एक दो सीट तो ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी शायद कहीं लड़ाई में हो, वरना तो लड़ाई पर भी नहीं है। दूसरी चीज़, आज तीसरे चरण का मतदान हो रहा है और जिस तरीके से अभी मैं आ रहा था तो मैं न्यूज़ देख रहा था कि मतदान का प्रतिशत हो रहा है, उससे समझ में आ रहा है कि लोगों का गुस्सा कितना चरम पर है। जनता निकल करके वोट कर रही है, हर बूढ़ा बुजुर्ग नौजवान हर जगह से निकल करके वोट कर रहा है और जिस तरीके से शासन और प्रशासन की दबंगई और सत्ता जा रही है हाथ से, उसकी बौखलाहट की वजह से जैसी जैसी बयानबाजियां हो रही हैं उसकी वजह से जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अभी तो तीसरा चरण का चुनाव है, चौथा पांचवा छठवां होते होते जब सातवां चरण का चुनाव आएगा और इस मऊ की सरजमी पर वोट डालने का समय आएगा तो आप देखिएगा कि यहाँ से बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। ना गाजीपुर में बोहनी होने वाली है, ना बलिया में बोहनी होने वाली है, ना मऊ में बोहनी होने वाली है और ना ही आजमगढ़ में बोहनी होने वाली है। इन चार पाँच ज़िलों में तो भारतीय जनता पार्टी की एक सीट की भी बोहनी नहीं होने वाली है, सबकी जमानत जब्त होने वाली है। विधायक बना चुका है, बस केवल अंतर देखना है कि कितना अंतर से विधायक आप 10 तारीख को होते हैं। चौहान, अखिलेश यादव, मुख्तार अंसारी, बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश की गई है उस कपड़े को सिर्फ जनता का वोट से साबित कर रहा है। निशानी का